और भारत गैर आनी इकदाम करके फंस गया। चीन की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत को परेशानी का सामना है। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुंच गए। चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। अब भारत को मकबूजा कश्मीर और लद्दाख पर दुनिया को जवाब देना होगा। भारत की जानिब से गैर आइनी इकदाम, चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया तो भारत को परेशानी का सामना करना पड़ गया। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुँच गए। चीन ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था, जिसकी वजह से भारत को अब परेशानी का सामना है और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर चीन पहुंच गए हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुंच गए। चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। अब भारत को मकबूजा कश्मीर और लद्दाख पर दुनिया को जवाब देना होगा। भारत की जानिब से गैर आइनी इकदाम, चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया तो भारत को परेशानी का सामना करना पड़ गया। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुँच गए। चीन ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था, जिसकी वजह से भारत को अब परेशानी का सामना है और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर चीन पहुंच गए हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुंच गए। चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। अब भारत को मकबूजा कश्मीर और लद्दाख पर दुनिया को जवाब देना होगा। भारत की जानिब से गैर आइनी इकदाम, चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया तो भारत को परेशानी का सामना करना पड़ गया। कश्मीर पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वजाहतें देने चीन पहुँच गए। चीन ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था, जिसकी वजह से भारत को अब परेशानी का सामना है और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर चीन पहुंच गए हैं।